बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम दोस्तों को, तमाम उम्मत मुस्लिमा को मेरी और मेरी तमाम फैमिली की जानिब से बहुत बहुत ईदुल अज़हा मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु वाना मिनल मुस्लिमीन। दोस्तों, कोशिश करें कि सिर्फ जानवर ही कुर्बान मत करें, बल्कि इस ईद पर अपनी इज्जत, अपनी अना, हसद और बदगुमानी को भी कुर्बान करें, दिल साफ करें ताकि हमारी कुर्बानियाँ कबूल हो जाएं। क्योंकि अल्लाह ताला की बारगाह में सिर्फ जानवर कुर्बान करने का नाम ही कुर्बानी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अना को, अपने नफ्स की कुर्बानी को, अपनी सबसे अच्छी शेख को कुर्बान करना, सबसे अजीज़ शेख को कुर्बान करना सामान्य कुर्बानी है। अल्लाह की रज़ा के आगे सर झुकाना, अल्लाह की रज़ा के आगे सर झुका दें, जो उसकी रज़ा है उसके आगे सर झुका दें, अपने सबसे अजीज़ शेख की कुर्बानी दें, अपने अतराफ़ को साफ करें, अपने दिलों को साफ करें, अपने दिलों की सफाई करें, तो दोस्तों इसी का नाम कुर्बानी है। अल्लाह ताला हमको और आप सबको ऐसे तरीक़े से कुर्बानियाँ करने की तौफीक अदा फरमाए और अपनी बारगाह में हम सब की कुर्बानियाँ मकबूल और मंजूर फरमाए, और जो गलतियाँ हो गई हों, कोताहियाँ हो गई हों, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमाए और अपनी रहमत का दरिया, रहमत का करम का दरिया हम सब पे हमेशा बरसाता रहे, हम उसी में गोते लगाते रहें उसके रहमत के दरिया में। तो दोस्तों, देखें, मेरी तरफ से आप सबको और मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद कुर्बान मुबारक हो। आप सबकी कुर्बानियाँ और हमारी कुर्बानियाँ अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। देखिए, ये मेरा मैमूसा प्लांट है ये माशाल्लाह से, और ये मेरा डेवलप बैकबोन, ये माशाल्लाह मेरी गुलदी पर बाहर आ रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में काफ़ी सारी हमारी बारिशें हो रही हैं। अल्लाह ताला हमेशा रहमतों की बारिशें रखे हम पर, हमारी ज़िंदगियों पर, और हमारी ज़िंदगी के गुलशन, हमारी ज़िंदगी के गार्डन ऐसे ही महकते रहें, ऐसे ही खुशबुओं से महकते रहें, ऐसे ही रंगों से भरे रहें। देखिए माशाल्लाह से वहाँ पीछे पर्पल कलर है, और यहाँ देखिए ये मजेंडा सा कलर है हमारा, ये और ये हमारे माशाल्लाह से ये सब ये येलो कलर है हमारी इस गार्डन के अंदर। देखिए माशाल्लाह अच्छा लग रहा है ना दोस्तों। ये तो ऐसे ही हम सब रहमतों की बारिश में नहाते रहें, और अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफ़ों से महफूज रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए हैं, और आपसे दुआओं के तलबगार भी हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। देखिए, ये मैंने सीडलिंग की थी ना दो दिन पहले, ये तो ये देखिए माशाल्लाह से अभी इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई है, और ये मैंने कटिंग्स लगाई थी तो माशाल्लाह ये भी चल पड़ी हैं। तो दोस्तों, ये बीज बोने के लिए बड़ा अच्छा महीना है, जैसे ही हमारा कुर्बानी का महीना ना, तो ऐसे ही हमारा ये बीज बोने के लिए बड़ा अच्छा सा महीना है। ये कोशिश करें कि इसमें नेकियों के बीज बोएं, खुशियों के बीज बोएं, मोहब्बतों के बीज बोएं, नफ़रतों से दूर रहें, हसद से दूर रहें, अपने अना को, अपने तकब्बुर को सबको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दें, अपने हसद को, अपने गुस्से को और मोहब्बतों को फ़रोग दें, ताकि हमारे ज़िंदगी के गार्डन गुलशन ऐसे ही लहलाते रहें। देखिए माशाल्लाह, ये मेरी ये भिंडी मैंने पीछे लगा रखी थी, ये तो अब मैंने यहाँ ट्रांसफ़र करी है, तो ये जब मैंने अभी परसों तो से लगाई थी ना, तो यकीन करें ये इतनी थी, बस इतनी थी, काफ़ी नीचे थी थोड़ी सी ये, और ये माशाल्लाह दो दिन के अंदर इतनी फूल गई है ये माशाल्लाह से, एकदम से ग्रो किया है। और ये मेरा पपाया चल रहा है माशाल्लाह से, ये मेरा करेला है, और ये मेरी ब्लू पी वाइन अभी थोड़ी सी मुरझा रही है, इसको सेटिंग करूँगी थोड़ी सी, और ये मेरा लौकी का भी पौधा है, ये बेल है ये मेरी, तो माशाल्लाह इसमें भी बर्ड्स निकलना शुरू हो चुके हैं, और ये मेरा एडेनियम है ये। तो सबके हालचाल पूछ रही हूँ, सबको हेलो हाय कह रही हूँ, सबको मेरे साथ तमाम प्लांट्स को भी मेरी तरफ से ईद उल अज़हा मुबारक हो। आप भी सब आपस में हैप्पी हैप्पी रहना, मिलजुल के रहना, कोई एक दूसरे से नाराज़ मत होना। वैसे माशाल्लाह प्लांट्स में तो हमारे बहुत भाईचारा होता है, ये सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखें, ये माशाल्लाह ये मेरा फानूस प्लांटर है ये, तो देखें अभी से भी फ्लावरिंग आना शुरू हो गई माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है ये कलरफुल, और ये हमारा खुशबुओं से महकता हुआ हमारा, ये देखें ये चंपा आ गया, ये इसके पास में खड़ी होती है इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है दोस्तों,
तो कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी के गुलशनों को खुशबुओं से महकाएँ, खुश और हसीन रंगों से सजाएँ। इसके साथ ही नेकियों को फ़रोग दें, मोहब्बतों को फ़रोग दें, खुशियों को फ़रोग दें, भाईचारे का ख्याल करें। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दें। ईद उल अज़हा मेरी और मेरी तमाम फैमिली की तरफ से आप सबको मुबारक हो। अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे। अल्लाहुम्मा आमीन। चलें दोस्तों इजाज़त दें। मैंने कहा ये मैक्सिकन पोटोनियो दिखा दूँ थोड़ा सा, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है गुच्छों की सूरत में निकला हुआ। चलिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।